और भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब। क्या नाम है भाई आपका? राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव, ये अपना ऑस्ट्रेलियन है भाई? हाँ जी भाई साहब। शिवराज? हाँ जी भैया। कौन से गुड़ का बच्चा है भाई ये? परमंश का है। अच्छा जी, और माँ की तरफ से भाई? माँ इसकी दुर्गा है, राजशेखरा वाले की। अच्छा भाई। हाँ, तो पुष्कर में कब लेके आए भाई इसे? इसको आए 13 तारीख को लेके आए थे सुबह। तो दिखाने के पर्पज से लाए हो जाते? हाँ, only, only for display, नहीं, not for sale। अच्छा अच्छा भाई। जी आपने खरीदा हुआ है भाई? हाँ। तो भाई इसकी क्रॉसिंग फीस कितने रखी है आपने? 31। ये अलग लाइन का है ना, डिफरेंट लाइन है इसकी। ठीक है भाई। देवदरबार लाइन का है ये। अच्छा भाई, तो रिजल्ट वगैरह भी देखे होंगे? रिजल्ट इसके गुजरात में भी है, पंजाब में भी है। ठीक है जी। और अब आना चालू है रिजल्ट इसके सिद्धो गोडन। जब अपने पास है भाई, तो उस टाइम से कितनी घोड़ी मेट हो चुकी है अपने घोड़ी? मेरे पास लगभग 50 घोड़ी कवर हो चुकी है अब तक। 50 घोड़ी? हाँ जी हाँ जी। जो अपना लॉयल्टी स्टड फार्म है? नहीं, यादव स्टड फार्म है। यादव? ठीक है भाई। हाँ हाँ। तो आप ब्रीडिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि भाई सेल परचेज पे? ब्रीडिंग पे ज्यादा, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रीडिंग पे है। एक ही है अभी, तो पहले एक और था वो सेल कर दिया मैंने। तो हाइट में कितना हो गया भाई? 66 इंचेज है। 66 इंचेज। उम्र में? ये 6 साल के हैं लगभग। 6 साल में। ठीक है। और भाई पूछना तो नहीं चाहूंगा, अगर इसकी कीमत वीमत लगी है भाई घोड़े के अपने की? हाँ, एक बार लगे थे 1.5 करोड़ रुपए। अच्छा भाई। एक बार किसी ने वैसे क्या पता फेंक है कि डाई भी बोले थे। अच्छा, लेकिन अपने तो अपने को सैर ही नहीं करना, तो उस चीज़ को मतलब भी नहीं अपने को। ठीक ठीक है भाई। वो तो बात सही है भाई। 50 घोड़ियाँ अपने पास ये मेट हो चुकी हैं। हाँ, अब हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान और 2-4-5 घोड़ी गुजरात से आई मेरे पास। तो अपने फार्म में तो तकरीबन कितनी घोड़ियाँ मेट हैं भाई इस स्टैलियन से? अभी मेरे पास 2 घोड़ी कवर है इससे, मेरे खुद के पास में। ठीक है भाई। हाँ जी, बहुत अच्छा भाई। ब्लेज भी बहुत सुंदर है इसके माथे पे। हाँ, वैसे मार्किंग में अकेला ब्लेज ही है इसके, और कोई कुछ नहीं है। हाँ, शिवराज। तो भाई आपने रिजल्ट देखे होंगे, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं इसके? ब्लेज आया है पंजाब में, जो जगतार सिंह जी है उनके बच्चा हुआ है। ठीक है भाई। ब्लेज और एक पाँव है। एक पाँव के? हाँ। ठीक है भाई, रिजल्ट अच्छे दे रहा है पूरा। हाँ जी हाँ जी। भाई आपने शो वगैरह में पहले डाला है जो? हाँ, पहले ये जोधपुर में जीता हुआ है, स्टार गलोरी में जीता हुआ है, गुजरात में 3 शो जीता है। हाँ। जो अपने पुष्कर में शो होने जा रहा है भाई, उसमें आप डालना चाहोगे घोड़े को? नहीं नहीं, अपन नहीं डालेंगे। अच्छा भाई, तो सिर्फ यहाँ दिखाने के पर्पस से लाए हो? हाँ, बस ओनली फॉर डिस्प्ले। हाँ हाँ। ठीक है भाई, बहुत अच्छा घोड़ा है। और बाकी कितने और जानवर लेके आए हो भाई साथ में? 5-6 जानवर और मेरे पास में, वो भाई सेल के लिए। हाँ, सभी सेल के लिए। ठीक है भाई, उनकी डिटेल भी भाई आपसे लेते हैं। हाँ, आपका बहुत ही अच्छा है भाई। थैंक यू भैया। ओके भाई, आ जाओ भाई, आप दूसरे जानवर दिखाओ अपने। ओके। तो भाई यहाँ पे टोटल 4 जानवर लेके आए हैं। एक भाई अबलक है, एक नुकरी है और 2 मारवाड़ी है। हाँ जी हाँ जी। इसके एक पॉन्स फेद है और माथे पे फूल है। हाँ जी हाँ जी। ये भाई क्या डिटेल है इस घोड़ी की हाइट? ये आलिशान लाइन की बता के दी है। ठीक है भाई। और 62.5 हाइट है, 6 साल की एज है लगभग। अच्छा भाई, तो सुपर है भाई ये? हाँ, नहीं अभी तक नहीं, अभी हीट पे आई नहीं है। ठीक है भाई। हम्म। और ये अपनी दूसरी घोड़ी आ गई भाई। हाँ, इसके माथे पे ये ब्लेज है भाई। और हाँ, और कोई हाँ, इसकी 61.5 हाइट है। ठीक है भाई। और इस पे शिवराज का जंप दिया हुआ है। अच्छा जी। तकरीबन 20-25 दिन पहले। 20-25 दिन। हाँ जी। घोड़ी कितने दिन में चेक हो जाती है इधर, डॉक्टर कर देते हैं? हमारे इधर तो थोड़ा लेट ही करते हैं, 2-2.5 महीने तक लगभग। सही समय तो भाई वही होता है। हाँ। ठीक है भाई। और दो अपने वो जानवर ये? हाँ, ये मेरे दोस्त है, उनकी है, वो लेके आए हैं। वो भी सेल के पर्पस से लेके? हाँ हाँ हाँ। ठीक है भाई। वो मेरे तो इनकी डिटेल पता है भाई, हाइट वगैरह? नहीं, इनकी आई डोंट नो। वो आ गई अपनी नौकरी? हाँ, वो भी मेरे दोस्त की है। ठीक है भाई। भाई आप अपना, वैसे तो मैंने पोस्टर पे नंबर भी दिखा दिया, अपना नंबर भी बोल दो एक बार। 9680102030। ठीक है भाई। जिस किसी भाई ने शिवराज घोड़े से भाई ट्रेनिंग लेनी हो भाई, से तो 31,000 रुपया की फीस है। रिजल्ट बोल रहे हैं भाई साहब बहुत अच्छे हैं। जी भाई साहब, मैं एक बच्चा लेके आया हूँ, ये 14 मंथ का होगा ये 25 तारीख को। अच्छा जी। और इसकी माँ मेरे पास ही है, मेरे घर पे ही। अच्छा
अच्छा भाई, कौन से गोड़ का बच्चा है ये? नूरे का। नूरा बकरपुर? हाँ जी, नूरा हाँ, जी। हाँ जी ठीक है भाई। तो ये अपनी होम ब्रीड है भाई? हाँ बिल्कुल भाई। हाइट में कितना चला गया होगा लगभग? अभी होगा ये 59 प्लस होगा। हाँ भाई। और स्पॉटलेस है भाई? हाँ नहीं, एक स्पॉट है इसके चेस्ट पे आगे। अच्छा भाई। हाँ ये भाई सेल के पर्पस से लाए हो या? हाँ हाँ, सेल भी कर देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा दाम मिला तो सेल भी कर दो। हाँ जी हाँ जी। वैसे भाई नूरे के बच्चे बिकते बहुत हैं भाई। हाँ हाँ। नूरा पहले नाम उसका नूरा था, नूरा के इसके लिए पढ़ा है क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। रिजल्ट बहुत अच्छा, बच्चा भी बहुत लगाव करता है भाई आपसे। हाँ हाँ मार बेटा। तो भाई आपका एरिया राजस्थान पड़ गया? हाँ जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो भाई अपना खाने पीने में क्या देते हो भाई तकरीबन घोड़ों को, जैसे स्टैलियन है भाई? ये बस यही जो लोग देते हैं वही हम देते हैं। अच्छा। जो चने बाजरा गेहूं। आपके इधर तो मूंगफली का भाव बहुत ज्यादा? हाँ मूंगफली का चारा डालते हैं। तो वो भाई एक टाइम डालते हो या ज्यादा भी हो जाता है भाई? दोनों टाइम डालते हैं वही। अच्छा। आपके जब पंजाब में थोड़ा डालते हैं, थोड़ा दिन डालते हैं हम। अच्छा, क्योंकि जानवर आपके फिट हैं भाई पूरे। हाँ ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओके भैया, थैंक यू।